हमें तो लगता था कि कबड्डी में गोल्ड केवल हमारे छोरे ला सकते हैं, पर आज हमारी छोरियों ने बता दिया कि हमारी छोरियां हमारे छोरों ने छोड़े। नमस्कार, सलाम, खुशामदी, मैं हूं आमिर खान। और आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे। ये सारे जो है वो मेरे पात्र हैं, किरदार है जो मैंने मूवीज में की। तो मैं जो नई जनरेशन है उनको बस इतना बताना चाहता हूं कि तीन चीजें हैं, इनकी पीछे कभी नहीं भागना। लड़की बस और ट्रेन, जाएगी दूसरी आई है, तो इनकी पीछे नहीं बता। और एग्जाम दिया आप लोगों ने, रिजल्ट आ गया? नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि किसी की कमियां किसी की खामियां हम मतलब किसी को क्यों बता। और तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन फॉर आमिर खान। हाँ, यू गाइस आर शिवम आई थिंक। हाँ, शिवम अपने से पूछ सकते हैं। योर गुड नेम, योर गुड नेम शिवम, शिवम आ देखिए, ऐसा है कि अभी क्या हो गया है कि पता नहीं क्यों बट वर्कआउट के कॉल्स आ रहे हैं। ये कुछ लोग हैं, लोगों ने मिलकर बस डिसाइड कर लिया है कि कोई कितनी भी मेहनत करे, जैसे ये जो मेरी अंतिम मूवी आई थी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा लास्ट छटा। हाँ, आप लोग कह सकते हैं कि ये फॉरेस्ट गंप का रिमेक है। एक्चुअली हम लोगों ने उनसे ये लिया था टॉपिक, वो लेने में हमें 8 साल लगे थे और मूवी बनाने में 14 साल। लेकिन पता नहीं ऐसा भी क्यों हो गया है कि लोगों ने हमारी मूवी को बहुत देखा, तो इसीलिए मूवी नहीं चल रही। और आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपका शुभ नाम से बताइएगा। शिवम, शिवम आप ज्ञानी दानी बुद्धिमान बुद्धिमान बल्कि मैं तो कहता हूँ अपुरुष महापुरुष है, महापुरुष। क्या होता है ना कि हमारे अल्फाज कुछ और होते हैं और उन्हें थोड़ा गलत ढंग से लिखा गया। मैं अपने देश के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोलता, लेकिन मैंने बस वो बाकी की जो मुझसे मेरी पत्नी कहा था तो उन्हें उन्हें डर लगा, तो मैं बस चाहता था कि बोलना कि हम लोग तो थोड़ा सा और खुला रहना होगा, किसी को डरना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था किसी धर्म को या मतलब को ठीक पहुँचे या फिर किसी मेरे खुद के देश के लोगों को लगे कि मैं उनके यूट्यूब की बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कभी नहीं माना था। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि उन्होंने ऐसा दिखा दिया कि मैं एक पर्टिकुलर सा जो टीम है उसका पार्ट हूँ, एक इकोसिस्टम का पार्ट हूँ। मैं ऐसा क्यों नहीं, तो मैं इस बारे में ये कहूंगा कि उस समय जो सिचुएशन था मैंने उसके बारे में बोला था, उसको प्लीज गलत ढंग से ना। चीजें होती है राइट, यू हैव टू वर्ड्स, एक होता है क्वांटिटी दूसरा होता है क्वालिटी, यू नो क्वालिटी क्वांटिटी। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि मैंने बाहर के वॉश को देखा है, वहाँ पे यू नो हम लोग को क्वालिटी मिलती है, हमारे देश में केवल क्वांटिटी मिलती है, ये लोग एक के बाद एक नए अवार्ड मिलते जा रहे हैं,
बेस्ट डेब्यू तो क्या होता है, इतने सारे अवार्ड से इनका मतलब ही राइट, डेब्यू में भी सपोर्टिंग एक्टर्स लिया अवार्ड आया राइट। तो मैं वहां भी आना, मैंने बंद देखा कि मुझे लगा नहीं कि उसे कभी हमारे इंडस्ट्री आगे बढ़ा, हमारे इंडस्ट्री में बढ़ावा अच्छी चीजों को नहीं मिला अवार्ड, तो इसलिए मैंने मैं जाना नहीं। इवन दो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पर्सनल बात है, मेरी वाइफ है, मुझसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो आप जानती हैं ये मत शेयर हो जाती है, वो मेरी वाइफ है, मुझसे प्यार है, उसने शादी की है, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो मैं आपका आपका चैनल नहीं पाया, खबर सुन रहा हूँ, किसे बताइए, अच्छा क्वेश्चन, बट यू शुड स्टडी मोर, पापा पापा ने इतना बड़ा नाम कह दिया, बड़ा नाम करने के लिए अभी इन चीजों से दूर। नेपोटिज्म का क्या है कि देखिए मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, जो टैलेंट होता है वो आगे आ जाता है, अब ऐसा होता है, ऐसा होता है जिनकी फैमिली पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में है, वो लोग बचपन से यही देखते आते हैं। मैं आपको कितने काम होते मेरे पापा एक प्रोड्यूसर है, तो मेरी फैमिली उसी इंडस्ट्री में, तो बात यह कि मेरे अंकल है, आप लोगों ने नाम सुना निशा हुसैन है, आप सुना, तो जब मैं इंडस्ट्री में आ रहा था उन्होंने बोला कि बेटा देखो हमारे पास इतना पैसा है तो तुम सबसे क्या डॉक्टर नहीं करेंगे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो इस विषय में मुझे जरूरत क्या है, ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कब कब फिल्म पास होने चालू हो जाए पता नहीं चलता, तो ही बना चाहिए, तो आप मेरे पिछले कुछ साल में देख सकते मेरी अच्छी मूवी चली है, अच्छी मूवी बिल्डिंग है, ऐसा होता है, तो ये रिस्क जो है वो जो जो इसमें घुस रहा है उसके लिए मैंने भी रिस्क किया, तो इसलिए आप नेवर नहीं हो सकते, जो भी लोग इंडस्ट्री में वो लोग के पास में बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है, अभी बात समझो समझो पीछे जो दिखे समझो। अनन्या पांडे के बारे में आपका क्या ख्याल है? Okay, a lot of questions just here. Chalo, thank you. Okay, thank you.